आज के इस वीडियो में आधार कार्ड में हुए कुछ बड़े बदलाव के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि इस बॉक्स के बारे में हम जानेंगे। आज के इस वीडियो में आपको इस बॉक्स के बारे में सारी मालूमात मिल जाएंगी और इसी के साथ और चार बड़े अपडेट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नए डिज़ाइन का आधार कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। नए डिज़ाइन का आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट myaadhar.uidai.gov.in इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। इसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऊपर अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद जिस तरीके का कैप्चा यहाँ पर है, इसी तरीके का कैप्चा यहाँ पर आपको डाल लेना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको डाउनलोड आर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। आपको नई डिज़ाइन का आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जिसमें भी आप ये डाउनलोड करेंगे आपका आधार कार्ड वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आधार कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेंगे, तो जो आपके आधार कार्ड का पासवर्ड होगा वो आपके आधार कार्ड में जो शुरुआत में नाम है उसके चार शुरुआत के लेटर आपको कैपिटल में यहाँ पर डालने हैं, और आपको अपने जब आप पैदा हुए थे वो वर्ष आपको यहाँ पर डालना है, यानी वो ईयर आपको यहाँ पर डाल लेना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका आधार कार्ड का कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो अब हम जान लेते हैं जो चार बड़े अपडेट है वो क्या क्या है। सबसे पहला अपडेट है VTC यानी विलेज टाउन सिटी। ये पहले हमारे आधार कार्ड में नहीं आता था, लेकिन अब ये आ रहा है। चाहे आप आधार कार्ड अपडेट करें या ना करें, ये आप हर आधार में आप आएगा। इसके बाद दूसरा जो अपडेट है वो है आधार नंबर इश्यू, यानी किस वर्ष में किस तारीख को आपने अपना आधार कार्ड बनाया था वो तारीख भी आपको अब आपके फ़ोटो के बाजू में दिखेंगी। तीसरा अपडेट है इस बॉक्स के बारे में। इस बॉक्स का मतलब क्या है तो हम आपको बता दें, जो तीसरा अपडेट है इस बॉक्स के बारे में, जिसका मतलब है जो आधार कार्ड है वो सिर्फ आपकी पहचान के लिए है, ना ही आपकी नागरिकता और ना ही आपकी जन्म तारीख का सबूत है। और जो चौथा अपडेट है वो है VID नंबर के बारे में, जो आपको बैक साइड में आपके आधार नंबर के नीचे दिखेगा आपसे, ये आपके शुरुआत में नहीं आएगा, ऊपरी साइड में नहीं आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। हम सब मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।